सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि स्प्रिंग सीजन चल रहा है और समर्स आने वाली हैं, तो अपने गार्डन में काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी वीडियोस इस टाइम पे मैं बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी शेयर किया कि अपने गार्डन को मेंटेन कर रही हूँ, काफ़ी सारे सीड्स लगाए समर वेजिटेबल्स के, कुछ और सीड्स आज लगाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो मेरे हैंड में है, ये देसी वेराइटी के सीड्स हैं, जिसमें कि बीन्स के सीड हैं, तोरी के हैं और घिया, करेला, ये सब सारे सीड्स हैं इसमें, और छोटे छोटे सीड्स इसमें बीट रूट के भी हैं। उसके बाद आप जो ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जो ये स्टील की कटोरी है, इसमें जो सीड्स हैं वो हाइब्रिड सीड्स हैं। इन दोनों को मैंने भिगा के रख दिया था पानी में और 24 घंटे से ज़्यादा इनको भीगे हुए हो गए हैं पानी में। तो ये हाइब्रिड सीड्स से, ये तो आप देख पाओगे अगर ध्यान से देखोगे तो, इसमें भिंडी के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं और इसमें स्प्राउटिंग भी हो गई है। बट अभी बाकी ज़्यादा सीड्स हैं, जो घिया के सीड्स हैं या करेले के सीड आपको दिख रहे होंगे, खीरे के भी हैं, तो ये अभी थोड़ा सा नहीं हुए क्योंकि इनका शेल जो है वो काफ़ी हार्ड होता है। बट मैं अब धीरे धीरे करके इन सीड्स को लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भिंडी के सीड्स को डाल देंगे। ये ग्रो बैग्स मैंने रेडी कर लिए थे, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा, तो अभी ये खाली ही पड़े थे। तो कुछ बारिश भी हुई है बीच में और मिट्टी जो है वो थोड़ी गीली हो गई है, तो मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा शफल कर रही हूँ मिट्टी को, उसके बाद हम इसमें सीड्स लगाएंगे। तो एक ग्रो बैग में मैं 3 सीड्स जो है वो भिंडी के लगा रही हूँ और होपफुली सीड्स ख़राब ना हुए हों। जो देसी सीड्स हैं ना, उनको काफ़ी टाइम हो गया था भिगाए हुए और मैंने उनका पानी भी चेंज नहीं किया, तो वो मुझे थोड़े से स्मेल आने लगी थी पानी में, तो शायद वो उतने जर्मिनेट ना हो पाए या ख़राब हो गए हों सीड्स। तो देखेंगे क्या रिज़ल्ट रहेगा, मैं वो भी फ़िलहाल तो अभी मैं लगा दूँगी, फिर देखेंगे कितने सीड्स उसमें से जर्मिनेट होते हैं। तो अभी मैं भिंडी के सीड्स लगा रही हूँ और इसके बाद मैं खीरे के सीड्स लगाने वाली हूँ। और ये जैसे कि भीगे हुए सीड्स, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी में दबाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी ये सीड्स निकल आते हैं, स्पेशली हाइब्रिड वाले। और ये देसी वाले सीड्स हैं, इनको भी मैं लगा रही हूँ, तो मैं मिक्स एंड मैच करके लगा लेती हूँ, जैसे कि कुछ हाइब्रिड सीड्स लगा लिए, कुछ देसी वैरायटी के सीड्स लगा लिए। देसी वैरायटी के सीड्स एक्चुअली होते जर्मिनेट लेट हैं और इसमें क्या होता है कि इनको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। और लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, जो देसी वैरायटी के सीड्स होते हैं, इनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है ये काफ़ी अच्छी होती है। इसमें अगर पेस्ट वगैरह लग भी जाए तो भी ये अपने आप को बचा लेते हैं, ये मैंने नोट किया। जब मैंने बीन्स जो लगाई थी लास्ट सीज़न में, आपने देखा होगा, जो मेरे पास चौड़ी वाली बीन्स होती है, जिसके बीज हम अपने गाँव से लेके आए थे, मतलब बीज क्या लाए थे, बीन्स ही लेके आए थे, तो उसके कुछ बीज मैंने सेव कर लिए थे, तो वो मैंने लगाई हुई थी और उसमें इतनी सारी एफिड्स थी सीज़न में, सर्दियों में इतनी एफिड्स थी, तो मुझे लगा कि कुछ भी बच नहीं पाएगा उसमें से। बट देन हुआ क्या कि अपने आप ही वो टाइम के साथ साथ वो सही हो गई और उसमें काफ़ी सारी बीन्स लगी। हार्वेस्ट का वीडियो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया आप लोगों से, वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग चैनल पर बस बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। देन उसके साथ साथ सीड्स हम कुछ और लगाएंगे अभी इस वीडियो के एंड तक, और उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये मेरे पास हाइब्रिड जो है हिबिस्कस है, इसमें एक येलो वाला है और एक पिंक एंड वाइट है। तो जो आप ये देख रहे हो, ये येलो वाला और पिंक एंड वाइट है, ये काफ़ी दिनों के बाद इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बट मेरे को कैप्चर करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। देन यहाँ पर फाइनली हमारे एमरेलिस लिली भी खिलने लगे हैं, ये 2 स्टॉक आ गए हैं इसमें फ्लावर्स के, और भी इसमें फूल खिलेंगे, आई एम श्योर इसमें और भी फूल जल्दी ही खिल जाएंगे। ये कंटेनर मैं बताऊँ आपको, मुझे सबसे पसंद है, मतलब वन ऑफ द कंटेनर्स है जो मेरे गार्डन में मुझे पसंद आता है, क्योंकि तो ये 14 इंच का प्लास्टिक का कंटेनर है जिसे मैंने अपने गार्डनिंग के इनिशियल डेज़ में परचेज़ किया था ऑनलाइन, और इसमें काफ़ी वेराइटी के प्लांट्स लगे हैं और सर्वाइव भी कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो लिलीज लगी हैं, क्रिसेंथम्स लगी हैं इसमें, उसके बाद इसमें पर्पल हार्ट भी लगी हुई है, गिलोय की बेल इसमें लगी है, तो काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें एक साथ चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ ये स्पाइडर प्लांट है जो कि बहुत अच्छी, ये भी चल रही है, इसे काफ़ी इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं हम, इसके बेबीज़ इसके साथ ही निकलते रहते हैं। जो स्टॉक्स देख रहे हो आप इसमें, ये देखो इस तरीके से काफ़ी सारे प्लांट्स बन जाते हैं, ये बेबीज़ है, इनको निकाल के अगर आप लगाओगे तो ये डिफरेंट प्लांट बन जाएगा। रूट्स भी कई बार आपको साथ में देखने को मिल जाती हैं, और इसके साथ साथ ये कुछ सूख भी रही हैं क्योंकि मैंने इनको प्रोपेगेट नहीं किया है, मेरे पास स्पेस नहीं है, और जितनी ये लग गई हैं काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हो गए हैं, तो एक्स्ट्रा जो इसमें से स्टॉक्स निकल रही हैं जिसमें फ्लावरिंग भी हो रही है जैसा कि आप देख रहे हो, तो इनको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत
ज़्यादा इधर उधर बढ़ रही हैं और इनको हल्का सा मॉइस्चर मिलता रहेगा तो ये बढ़ती रहेंगी। जब मैंने स्टार्टिंग में स्पाइडर प्लांट लगाने की कोशिश की थी तो बहुत मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली मैं ये कहूँगी, बट अब वो मुझे पता लग गया है कि काफ़ी हार्डी प्लांट है, बस आपको इसकी टेक केयर बहुत कम करनी है, यही इसका रीज़न है। स्टार्टिंग में जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं तो क्या करते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स लाते हैं और उनकी बहुत एक्स्ट्रा टेक केयर करने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। बट कई प्लांट्स ऐसे होते हैं हार्डी ईजी गोइंग, तो ये स्पाइडर प्लांट कुछ उनमें से ही एक है। प्लस इसके साथ साथ ये कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है जिसमें कि हैंगिंग बास्केट्स रखी हैं तीन, जिसमें पोर्चुलाका लगी हुई है, बहुत अच्छे से लग गई है और मैंने इनको निकाल के यहाँ फ़िलहाल ऊपर सजा दिया है, यहाँ से हैंग होती हुई है अच्छी लगेगी। दिक्कत यहाँ पे सिर्फ यही है कि पानी डालना थोड़ा इजी नहीं लगता। उसके बाद ये कंटेनर खाली कर लिया है कुछ इस तरीके से, अब नज़र आ रहा है। थोड़ी सी मिट्टी और कंपोस्ट और डाली मैंने इसमें, थोड़ी सी कोकोपीट मिलाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चर था इसमें। तो उसके बाद कुछ धनिया के सीड्स पड़े थे वो मैं लगा रही हूँ। ये धनिया के सीड्स काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़े थे, देखते हैं इसमें से क्या जर्मिनेशन होती है। और इससे पहले मैंने कुछ धनिया के सीड्स लगाए थे, वो जर्मिनेट हो गए हैं, बट अभी मैंने थोड़ा सा और लगा दिया है। मिट्टी को शफल कर दूंगी थोड़ा सा ताकि जो सीड्स हमने डाले हैं वो भी थोड़े शफल हो जाएं, और मिट्टी से लगे रहेंगे सीड्स तो सूखेंगे नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर सीड्स ऊपर ही पड़े रह जाएंगे तो ये वैसे ही सूख जाएंगे, मॉइस्चर इनको अच्छे से मिलेगा नहीं और जर्मिनेशन होगा नहीं। तो अच्छे से इनको मिक्स कर देते हैं ताकि ये अपने आप को मॉइस्चर करके रखें, मॉइस्चर बना के रखें मिट्टी में, और उसके साथ साथ ये फिर जर्मिनेट भी हो जाए। नेक्स्ट मेरे पास ये एक और कंटेनर है जो कि लेंथ में काफ़ी लंबा है, चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है और ना ही गहराई है। तो इस तरीके के कंटेनर्स जो होते हैं वो धनिया और पालक मेथी ये सब लगाने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अभी मेरे पास ये बेबी स्पिनच के कुछ सीड्स हैं, देसी पालक है ये और छोटी वाली बेबी स्पिनच, तो इसके कुछ सीड्स मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस बना ली हैं और इसमें इसके सीड्स डालकर और ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। दो तरीके से आप ये काम कर सकते हो, या तो इस तरीके से लाइंस बनाकर उसमें सीड्स डालकर, या फिर आप स्प्रिंकल मेथड की हेल्प से जिस तरीके से मैंने धनिया लगाया उस तरीके से भी आप इसके सीड्स डाल के अच्छे से इनको ग्रो कर सकते हो। जैसा कि ये सीड्स जो हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं तो इनको मिट्टी में बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्की सी मतलब आधे इंच भी नहीं आप अगर दबाएंगे तो भी ये सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर मिट्टी में मॉइस्चर है और मिट्टी के ऊपर आप सीड्स फेंक दोगे तो उसमें भी जर्मिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर लोरोपेटलम के काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो कि मैंने प्रोपेगेट किए थे लास्ट सीज़न में, लास्ट गर्मियों में मैंने इनको प्रोपेगेट किया था, और ये छोटे छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट के में काफ़ी अच्छी ये ग्रो हो गई हैं, बट ये काफ़ी लैगी हो रही है इनकी ब्रांचेस और ये इनका ग्रोथ सीज़न है। तो मैं बस इस तरीके से पकड़ के इसको कट कर देने वाली हूँ, जैसा कि आपने देखा एकदम जुटिया पकड़ के कट कर दी मैंने इनकी, और ये अब काफ़ी अच्छे ग्रो हो जाएंगे, इसलिए इनको थोड़ी सी डिगिंग करके कंपोस्टिंग भी मैं करने वाली हूँ। आप ध्यान से देखोगे तो इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है और सीड्स बन जाएंगे, तो सीड से भी आप इनको ग्रो कर सकते हो, बट ईजीएस्ट है कि आप कटिंग से ग्रो कर लो, कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपेगेट हो जाती है ये लोरोपेटलम। तो मुझे इसके ना ही फ्लावर्स चाहिए ना ही सीड्स, बट आई एम हैप्पी कि मुझे इसके फ्लावर्स देखने को मिले। मुझे पहले नहीं पता था कि इसमें फ्लावरिंग भी होती है, बट हाँ आप देख के पता चल रहा है कि इसमें फ्लावरिंग भी होती है, और ऑब्वियसली जब फ्लावर बन रहे हैं तो सीड्स भी बनते ही होंगे। तो अभी मैं फिलहाल इनको कट कर देती हूँ और इनकी ग्रोथ मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखाऊँगी।